हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज हम इस महादेव का मूर्ति को बनाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी प्रोसेस में। तो चलिए एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जो शंकर जी का बेस हम बना रहे हैं, इसमें कोई भी लकड़ी और कोई भी बांस का यूज़ नहीं किया हूँ। तो डायरेक्ट हम मिट्टी से इसको एक चट्टान का शेप पर हम कुछ इस तरह करके बनाए हैं और उसका ऊपर हम शंकर जी को बैठाएंगे। शंकर जी हमारे जो बैठे रहेंगे वो एक ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे, जैसे कि ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो उसी टाइप का मतलब उस टाइप का हम मूर्ति बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो दोनों पैर को मैंने एक के ऊपर कुछ इस तरह करके बैठा दिया हूँ और उसके बाद हम बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करके हम बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं हाथ को बाद में ऐड करूँगा सारा चीज़ काम करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ मिट्टी लग रहा है हम उस जगह को अच्छी तरह से नॉर्मल शेप में हम बना रहे हैं और इसको हम बाद में डिटेलिंग करेंगे। तो अभी जहाँ जहाँ मिट्टी लग रहा है उस जगह को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग भी इस तरह करके बना पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चेस्ट के लिए दो साइड में एक मिट्टी लगाई और हाथ के जगह पर हमने दो साइड पर कुछ इस तरह करके नॉर्मल शेप बनाया हूँ ताकि हम जब हाथ को ऐड करेंगे तो वो मेरा मेजरमेंट ठीक रहे। तो यहाँ देखिए, लगभग बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करके बन गया है। अब गर्दन के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी लगाया हूँ और कमर में थोड़ा हमको पतला लग रहा था तो इसीलिए हम कमर के साइड में दो साइड में हम मिट्टी को ऐड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा हेल्दी लगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो टूल्स की सहायता से जहाँ एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हम कुछ इस तरह करके निकाल देंगे और जहाँ मिट्टी लगेगा हम उसको बाद में हम उस जगह को ऐड करते जाएंगे तो एक हमारा बॉडी का शेप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शंकर जी का जो घुटना है कुछ इस तरह करके हम बना रहे हैं। और उसके बाद जो पैर का जो मांसपेशी है उस जगह पर भी हम मिट्टी को ऐड करेंगे। तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, एक बॉडी का शेप हमने कुछ इस तरह करके बनाया हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेंगे मिट्टी लगाने के बाद। तो दोनों साइड का घुटना बन जाने के बाद हम उसको क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों साइड को बना लिया है, अब हम थोड़ा सा इसको क्लीनिंग कर लेंगे और फिर बाद में भी जब पूरा मूर्ति कम्प्लीट हो जाए उस टाइम में हम उसको ब्रशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम नॉर्मल सा क्लीनिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हम इसमें डिप नहीं करेंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब शंकर जी का हम फेस को हम कुछ इस तरह करके बनाएंगे। देखिए, मूर्ति का जो मेन चीज़ होता है वो होता है फेस। फेस बनाना आपको अलग वीडियो है, वो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फेस आपको बनाना सीखना होगा पहले, तभी आप किसी तरह का भी मूर्ति बना सकते हैं। तो फेस बनाने का सबका फॉर्मूला एक ही होता है, जो सिर्फ फर्क होता है उसका जो लुक होता है वो फर्क होता है। आप जिस हिसाब से बनाइएगा उस हिसाब से आपका फेस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरा रूल यही है कि हम उसको 3 डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ लाइनिंग है उस जगह को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए, नॉर्मल शेप में उस फेस को बना लिए हैं। अब जो शंकर जी का बाल होता है उसको हम कुछ इस तरह करके बना लेंगे दो साइड में। शंकर जी का बाल थोड़ा लंबा लंबा होता है और चट्टान टाइप का होता है, तो उसका हम नॉर्मल से मिट्टी लगाएंगे और बाद में उसको बाल का आकर हम उस पर स्क्रैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, शंकर जी का थोड़ा सा उसका लुक आ गया है। अब जैसे जैसे ये काम कंप्लीट होते जाएगा तो शंकर जी का फाइनल लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, दो साइड में हम शंकर जी का कान को हम कुछ इस तरह का ऊपर बना देंगे। एक्चुअली कान जो है वो बाल में ढका गया है तो उसको हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारा शंकर जी का आँख बनाएंगे और फिर कपाल में भी एक आँख होता है तो उसको भी हम दिखाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये काफ़ी छोटा मूर्ति है, आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये फेस कितना छोटा है।
बहुत ही ज़्यादा छोटा है मूर्ति, लगभग 6 से 7 इंच का मूर्ति है, इसीलिए फेस इतना छोटा लग रहा है। तो आपको धीरज से काम लेना होगा, तभी आपका फेस बन पाएगा। तो यहाँ देखिए कंप्लीट हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम ब्रशिंग करते रहे, थोड़ा क्लीनिंग करते जाएंगे और डिटेलिंग भी करते जाएंगे। अब इसका जो बाल है उसको हम कुछ इस तरह करके डिटेलिंग कर देंगे, और इसके बाद उस पर ब्रशिंग कर देंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है शंकर जी का फेस और नाक। अब दोनों हाथ को हम कुछ इस तरह करके ऐड करेंगे। नॉर्मल शेप का हाथ हम शेप कर लिए हैं। अब जहाँ जहाँ मिट्टी चाहिए मांसपेशी, उस जगह को हम कुछ इस तरह करके मिट्टी को ऐड करेंगे, और दोनों हाथ को खुला रखेंगे, जैसे ध्यान मुद्रा होता ना जब, तो उस टाइप का हम इसको हाथ को रखेंगे कुछ इस तरह करके। सो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए शंकर जी का जो पशु का छाल होता है उसको हम कुछ इस तरह करके हम बना रहे हैं, और एक पशु का छाल उसको हम पहना दिए हैं, और कुछ इस तरह करके हम इसको लकीर खींच देंगे। तो यहाँ तक हमारा शंकर जी कंप्लीट हो चुका है। अब शंकर जी का जो मेन चीज़ है वो होता है रुद्राक्ष माला और गले में सांप, ये इसका वेशभूषा है। तो यहाँ देखिए मैं छोटा छोटा करके उसका रुद्राक्ष जो माला है उसको हम कुछ पहले से ही बना कर रखे थे, तो उसी को थोड़ा सा पानी लगा के हम उसको चिपका दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए रुद्राक्ष भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सांप को ऐड कर रहे हैं। तो सांप के लिए हमने दो साइड में एक राउंड शेप बनाए, और इधर साइड में हम उसका जो सांप का पूंछ होता है उसको हम निकाले हैं, और इस साइड में सांप का फन होगा। तो यहाँ पर त्रिशूल को हमने ऐड कर दिया हूँ, और फाइनली हमारा महादेव कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि ये मूर्ति आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।